आज से हमारा नया रिश्ता कायम होता है, नफरत का। आज से हम दोनों के रिश्ते की यही पहचान होगी। I just hate all of you. सर चलिए सिमी। ओ भाई बेटे बहू और बेटी के स्वागत के लिए आपने पहले ही बैंड बुला लिया, बताया नहीं है? नहीं राजी, मैंने ये सब नहीं बुलाया है। तो फिर घर में तैयारियां कैसी चल रही है? चलिए चल के देखे तो सही। चलो देखते हैं। What's going on? वो देखो, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी ना इसे। तुम्हारी और मेरी शादी जो है 3 दिन के बाद, तुमने खुद साइन किया था से। देखो से, सो क्यूट ना, सेड वेज मीशा, सो क्यूट। बस 3 दिन के बाद हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। सर आई एम सो हैप्पी। देखो सर, तुमने साइन किया था। देखो, इसीलिए इस कागज पे साइन नहीं करना चाहता था मैं।
खुश हो आप? अच्छा ये सब क्या है? इतना सब कुछ हो गया, तूने बताया नहीं, पेपर साइन कर दिए। सेठ, मीशा से शादी? हाँ, सेठ मुझसे शादी करने वाला है। सेठ वेट, मीशा। अरे बंद क्यों कर दिया? बजाओ, 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 बजाओ। शादी वादी नहीं हो रही यहाँ पे, निकलो, आउट ऑफ हियर, दफा हो, चलो निकलो यहाँ से, किसने बुलाया तुम्हें, आउट, दफा हो यहाँ से, गो, निकलो, निकालिए आप लोग, कोई शादी नहीं हो रही यहाँ, चलिए। सेठ, मुझे शादी करोगे ना? मुझे प्रॉमिस किया था। अरे कोई प्रॉमिस नहीं किया मैंने तुमसे मिशा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था मैं, जो मैंने बिना सोचे समझे साइन कर दिया उन पेपर्स पे। मैं नहीं करने वाला हूं तुमसे शादी, जस्ट गेट दैट क्लियर, और आप सबके सामने क्लियर करना चाहता हूं, खासकर तुम्हारे सामने, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू मिशा, डू यू गेट दैट? डू यू गेट दैट? कुछ और तरीका सोचिए, आपको क्या लगता है मैं अपने पति के कातिल को ऐसे घूमते हुए देखना चाहती हूँ? फ्री, स्कॉट फ्री, हाँ? और वो खुराना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और अपनी बेटी को देश के बाहर भेज देंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? देखिए मैम, ऐसा नहीं होता मैम, ऐसा ही होता है लॉयर साहब, एक बार दुर्गा ने कह दिया तो सब कुछ उसके मुताबिक ही होता है। क्यों दुर्गा? अरुणा, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? हाउ आर यू? आई एम गुड, ग्रेट टू सी यू, यू आर आफ्टर सच अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे जाने, छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो, आप प्लीज बाहर चलिए, प्लीज 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 बाहर चलिए, हम चेक कर रहे हैं ना, प्लीज प्लीज आप लोग बाहर चलिए, आइए आइए प्लीज। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना कि मिशा पर किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं आना चाहिए। मुझे जाना, जाने दो मुझे। देखिए, देखिए क्या हाल कर दिया आप लोगों ने इसका। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मुझे चेक करने दीजिए। एक्टर तो तुम अच्छे हो काफी, हाँ? अब मुझे करने दो अपना काम। Leave me alone, छोड़ो। नहीं, 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 नहीं।
हमेशा के साथ ये नहीं कर सकते, प्लीज आप बोल दो सिद्धार्थ, प्लीज शादी के लिए आप बोल दो सिद्धार्थ, प्लीज उसकी हालत सिद्धार्थ। मिशा रिलैक्स मिशा, हट जाइए सब। मिशा मिशा सिद्धार्थ यही है मिशा, वो करेगा तुमसे शादी। मिशा he's here, he's here, he'll marry you, he'll marry you, relax मिशा। आपके सिर्फ इतना बोल देने भर से देखिए कैसे मीशा शांत हो गई। क्या बोल के आई हो अंदर तुम कि मैं मिशा से शादी कर लूंगा? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम? हजार बार तुम्हें कहा है कि बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो, उसके बाद भी बार बार तुम माफ करो मुझे, तुम्हारे कहने पे सगाई कर ली मैंने, उससे शादी नहीं करने वाला मैं उससे। मैं तुमसे प्यार करता हूं और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने वाला हूं, दस्त एंड ऑफ इट। रिश्ते निभाना मैंने तुमसे सीखा है सिद्धार्थ, तो फिर आज क्यों इतनी सेल्फिश बातें कर रहे हो? सेल्फिश? मैं सेल्फिश? आज तक सबके लिए सब कुछ करता रहा मैं, आज अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं सेल्फिश हो गया? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा रिश्ता, मेरा सब कुछ मेरे हाथ से छूटता जा रहा है, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूं तो मैं सेल्फिश हो गया? एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिससे मैं प्यार नहीं करता तो मैं सेल्फिश हो गया? अगर तुम्हारी नजर में मैं सेल्फिश हूं रोशनी, तो मैं सेल्फिश हूं। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान हूं और मैं खुदगर्ज बन के खुश हूं। इंसान हूं मैं और इंसान ही बने रहना चाहता हूं। तुम्हें अगर बलिदान की देवी बनना है तो बेशक बनो, मुझे भगवान बनने का कोई शौक नहीं है। सेल्फिश? और जितनी फिक्र है ना तुम्हें मिशा की, उससे ज्यादा फिक्र है मुझे। अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं उसका, उससे भी अच्छे डॉक्टर से कराएंगे। I'll see to it that she's back to normal. But that's the best I can do. मैं पूरी जिंदगी नहीं झोंक सकता ना उसके लिए। I love you, रोशनी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. तुम मेरे साथ हो तो मैं हूं, और अगर सिद्धार्थ के साथ रोशनी नहीं पास आए तो सिद्धार्थ का कोई वजूद नहीं। दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब
सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। अरे रोम रोम में मेरा नाम है रोशनी और मेरी रूप है तुम्हारा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। I'm really sorry, Durga. तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। Oh God. और दुख की बात तो ये है कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ नहीं। कैसे फंस जाते हैं लड़कियां? It's okay. खैर छोड़ो ना, अपनी बात करो। तुम बताओ तुम कहाँ थे इतने सालों से? कॉलेज के बाद तुमने एक बार भी कॉन्टेक्ट नहीं किया। नो फोन, आई मीन तुम सोशल नेटवर्क पे हो ना? बिल्कुल हूँ ना। हाँ, so let's get in touch now. 30 years? इतने बड़े डॉक्टर बन गया तुम। बस यार, ऊपर वाले की कृपा है, सिंगापुर में अच्छी तरह से सेटल्ड हूँ। मुंबई आया हूँ एक लीगल केस के सिलसिले में, बाकी सब ठीक है। बच्चे भी बहुत अच्छी तरह सेटल्ड है। तुम एक तुम अपने बच्चों के फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। ओह, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखती है। Really? The same green eyes, grey eyes, yeah. Oh. साथ दोती होगी तुम्हारा। तुम भी तो अपने बच्चों को पिक्चर्स दिखाओ, मैं भी तो देखूं। भाई मेरी तो एक बिटिया ही है और ये she is the one. Okay. दुर्गा थोड़ा थंब हटाना, ये लड़का कौन है? सिद्धार्थ खुराना मेरी बेटी का एक्स हस्बैंड, यूजलेस गाय है। और ये लड़की? ये वही लड़की है जिससे वो शादी करने वाली। पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़की को पहले देख चुका हूं। आई एम नॉट श्योर बट ऐसा लग रहा है। सिद्धार्थ, मेरे